नमस्कार, स्वागत है आपका स्वाद अनुसार पे। मैं हूँ आपकी शेफ, आपकी होस्ट सीमा। चाट आइटम्स में से सबसे फेमस है रगड़ा पैटिस। बहुत आसान है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है रगड़ा पैटिस। अब हम लेंगे अपना कुकर, गैस शुरू करते हैं और ये है 1.5 कप मटरी। इसे हम मटरी कहते हैं, ये सफेद चने नहीं हैं, ये रगड़े वाले मटर हैं। ये लिए हमने 1.5 कप और इसे रात से भिगो के रखा हुआ है और अब हम इसे प्रेशर कुकर के बॉईल करेंगे। इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसे अच्छे से मिला देते हैं। इसमें करीबन 2 कप पानी हम डालेंगे। और अब ये कुकर बंद कर देते हैं। 2 सीटियां आने पे इसे 5-10 मिनट तक स्लो में रखेंगे। जब तक हमारी मटरी बनती है, उतनी देर तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। अब हम अपनी गैस शुरू करते हैं और अब लेते हैं 2-3 टेबल स्पून ऑयल के। हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम डालेंगे बारीक कटा हुआ 1 बड़ा सा प्याज। अब हमारे प्याज अच्छे गुलाबी रंग के हो गए हैं और अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट। इसमें 3 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट जाएगी। अब हम डालेंगे 3 बारीक कटे हुए टमाटर। अब हम डालेंगे नमक 1 चम्मच। अब हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच और हल्की सी हल्दी और 1 बारीक कटी हरी मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम डालेंगे इसमें हल्का सा पानी ताकि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। अब हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है और कुकर की 3 सीटियां भी हो चुकी हैं। अब हम अपनी गैस बंद करते हैं। हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम अपनी पैटीज बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालते हैं तेल। इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। आपको डीप फ्राई करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। ये हैं उबले हुए आलू। ये 4 से 5 मीडियम साइज के आलू हैं, जिन्हें उबाल के मैश कर दिया है। इसमें हम डालेंगे नमक 1 चम्मच, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा धनिया,
और आधी कटोरी ब्रेड क्रम्स की और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम हल्का सा हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। अब हम इसके पैटीज बनाएंगे। अब हम अपनी पैटीज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे अच्छे से पलट लेते हैं। इस तरह हम अपने बाकी के भी पैटीज बना लेते हैं। अब हम अपना कुकर खोलते हैं। हमारी मटरी अच्छे से बन चुकी है, अच्छे से गल गई है। अब हम मसाले वाली कढ़ाई लेते हैं। हम अपनी गैस शुरू करते हैं और मटरी को इस मसाले में डाल देते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम बाकी के पैटीज निकाल लेते हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच सूखा धनिया का पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब डलेगा इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। इसे 5 मिनट और गैस पे रहने देते हैं ताकि ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाए। हमारा रगड़ा पैटिस एकदम तैयार है। अब हम इसे प्लेट में सर्व करते हैं। रगड़े को एक बोल में सर्व करेंगे, धनिया ऊपर से गार्निश के लिए। ये रहे प्याज जो आप ऊपर से डाल सकते हो, ये रही हरी चटनी और इमली की चटनी, और ये पैटिस आप प्लेट में रख सकते हैं। तो ये रहा हमारा रगड़ा पैटिस एकदम तैयार। बहुत ही सिंपल है, आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। घर में बनाइए, खाइए और मजे लीजिए। और हमें जरूर लिखिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी, और देखते रहिए स्वाद अनुसार। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।